पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग खामोशी का मुजाहिरा करें। आप लोगों की ही आवाज़ हम अंदर लेके गए थे और इंशाल्लाह अभी मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ वो सब हम सब के हक में है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले खामोशी का मुजाहिरा करें। जब तक आप लोग खामोश नहीं होंगे कोई भी बात यहाँ पे क्लियर नहीं होगी और यहाँ पे कोई धरना कोई आवाज नहीं करेगा जब तक मैं अपनी बात एंड ना करूँ। यहाँ से जाते हुए बेशक आप लास्ट में बेशक जितनी आवाजें निकाली आप निकालें, जब तक मेरी बात क्लियर नहीं होती यहाँ से कोई आवाज नहीं निकालेगा। पहले सुनो, अभी मैं जो है देखे कौम के बेटों की कौम की बेटियों की हम सब की इंशाल्लाह जो कानून कहता है कोई कानून से बालातर नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए अभी हम अंदर जाते हैं, आप थोड़ा सा सिर्फ मेरी आपसे ये गुजारिश होगी इंसाफ होना चाहिए। जिसने भी अपनी माँ को बेटी को अगर इज्जत ना दी तो उसे भी इज्जत नहीं मिलेगी। इस्लाम माँ बहन बेटी को इज्जत की तकरीम की तालीम देता है और तरबियत देता है। अगर किसी ने उस तालीम पे यकीन नहीं की, तरबियत नहीं की, तरबियत हासिल नहीं की और किसी बेटी किसी बहन पे हाथ उठाया है या इस तरह दस दराजी की है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इंशाल्लाह आप एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तालीम याफ्ता हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसीलिए आया हूँ अपनी टीम के साथ एसएचओ साहब को भी लेके कि हम वीसी कि मैं इंशाल्लाह पहले मरहले में मैं वीसी साहब से बात करके बीसी साहब को इधर ही लाके आपको मुतमईन करेंगे। उन्होंने अपने स्टाफ पे इतने दिन गुजरने के बावजूद क्या स्टेप लिया है, जबरदस्त रिएक्शन ली है नहीं ली है, तो उसके लिए वो आपको मुतमईन करेंगे। ठीक है बेटा, सदकल्लाहु मौलाना हमारे यूनिवर्सिटी के अजीज तुलबा व तालिबात, मेरे भाइयों बहनों, प्रोटेस्ट आपका हक है मगर मैं आपको ये बता दूं, दीन इस्लाम हमारा दीन है जो हमें तालीम भी देता है और तरबियत भी देता है और अल्लाह पाक का जो इरशाद मैंने तिलावत की कुलू लिन्नासी।